जटई के कई हिस्सों में मीह पैण के कारण आवाजाई में पै सकता है विघन। अज सवेरे जटई में मीह पैण के कारण आवाजाई में विघन पै सकता है। सारे पासे तिलकण हो सकती है। इस बर्फीले मीह के कारण कई इलाकों में स्पैशल वैदर स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। इन्हां दे विच यॉर्क रीजन, डारहम, पील और हैल्टन के कई हिस्से शामिल हैं। एनवायरमेंट कैनेडा का आखना है कि टावी टावी थावां दे उत्ते छोटे और भारू पै सकती है। जिन्हां इलाकों के तापमान मनफी के निशाने तो हेठां चला गया है, उन्हां थावां दे उत्ते हड़ जम्मण वाला मीह अते बूंदाबांदी हो सकती है। वैदर एजेंसी ने पाया है कि जटईए के आले दुआले तापमान सवेरे तो बाद थोड़ा वध सकता है। होरना थावां तो इलावा बैरी, ओरियल अते होरना जगावां दे उत्ते भारी मीह पैण दा खदशा जताया गया है। पहला टोरोंटो विच वी भारी मीह की पेशकश की गई सी, पर बाद विच इस नूं हटा दिता गया। एनवायरमेंट कैनेडा के अनुसार सिटी दे विच रात दे समय 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। गल करांगे अगली खबर बारे। सेंट कैथरीन्स दे विच लगी अग, धमाका होण दा वी खदशा। सेंट कैथरीन्स दे विच लगी वड्डी अग उत्ते काबू पाउण दे लई एमरजेंसी अलमे मौके उत्ते पहुँच चुके हैं। घटना वाली थान तो धमाके दीआं रिपोर्टां मिलीआं हन। रीजनल पुलिस ने आख्या कि सवेरे 6:30 दे नेड़े तेड़े उन्हां नूं सीवे हैलस दे वल्लों फोन करके सद्या गया सी। उत्तरी सिरे दे उत्ते धमाका होण दीआं खबरां मिलण दे उपरांत इसे दौरान 911 उत्ते कॉल करके पुलिस नूं बुलाया गया। पुलिस दे वल्लों अगे दित्ती गई जानकारी दे विच दस्या गया ओह पहलां दे नाल एमरजेंसी सर्विस कर्मचारियों नूं भी लैके गए। मौके उत्ते सेंट कैथरीन फायर सर्विस दे नाल नाल नैगरा एमरजेंसी माइकल सर्विस दीआं कई यूनिट्स भी पहुंचियां। उन्होंने अगे दस्या है कि इस एरिए दे विच रहण वाले लोकां नूं घर दे विच ही रहण दे धुएं तों बचण दे लई आख्या गया है। गल करांगे अगली खबर बारे। 8 नाबालिग लड़कियां ने शख्स दा बेरहमी दे नाल कीता कतल। कनेडा दे टोरोंटो शहर दे विच 60 साला व्यक्ति दे कतल दा पुलिस ने खुलासा किया। पिछले महीने टोरोंटो विच एक व्यक्ति दा नाबालिग कुड़ियां दे द्वारा बेरहमी दे नाल कतल किया गया सी, जिस तों बाद टोरोंटो पुलिस लगातार कतल दे दोषियों की पछाण करन लगी हुई सी। इसे कतलकांड दे विच पुलिस ने हुण सफलता हासिल की है। पुलिस ने कतल करन वाली लड़की की पछाण कर ली है। दसिया जा रहा है कि कतल वाले दिन टोरोंटो के कई मैट्रो स्टेशन के कुड़ियों के समूह के वलों कई लोगों पर हमला किया गया सी। दरअसल पिछले साल दिसंबर दे विच एक 60 साला केन ली दा कतल किया गया सी, जिस तो बाद पुलिस कातिल दी गुत्थी सुलझाउण दे विच लगी हुई सी। टोरोंटो पुलिस ने बुधवार नू एक प्रेस दे जारी करदे हुए बयान दे विच आख्या कि 17 दिसंबर दी रात 10 तो 12 बजे दे विचकार पुलिस ने लड़कियां दे नाबालिग होण दा हवाला देंदे हुए वधेरे जानकारी देण तो इनकार किया सी। पुलिस ने दस्या उस रात 10 तो 12 बजे दे दौरान 5 मैट्रो स्टेशन दे विचकार होर लोकां ते भी हमले किए गए सन। पुलिस ने उन्हां पीड़ितां नूं भी अगे आउण दे लई आख्या है। गल करांगे अगली खबर बारी। प्रिंस हैरी दी किताब स्पेयर बना रही है विक्री दे नवे रिकॉर्ड। प्रिंस हैरी नूं लैके लोकां दी उत्सुकता घटती जा रही है क्योंकि उन्होंने किताब स्पेयर विक्री के नवे रिकॉर्ड कायम कर दी जा रही है। थानू दस दिए कि बुधवार को घोषणा की गई है कि हैरी की किताब दिया पहले दिन 14 लाख तो वध कापियां विकियां। कंपनी के वलों प्रकर्षित सबका अमरीकी अते राष्ट्रपति ओबाक ओबामा दे अते उन्हां दी पत्नी ओबामा दी किताब बैमिंग दियां एक हफ्ते दे विच 14 लाख कापियां विकियां। ऐसे विच 2018 दे विच प्रकर्षित होई उन्हां दी हुण तक सब तो वध विकण वाली किताब है। 1.5 करोड़ कापियां हुण तक विक चुकियां हन। स्पेयर दी विक्री दे आंकड़े दे विच अमरीका, कनेडा अते यूके दे विच विकण वाले काफ़ी वड्डे आउटलुक सामने आए हैं। इसे उपरंत प्रधान जीना अते उन्होंने एक बयान दे विच आख्या कि स्पेयर एक अजिहे आदमी की कहानी है जिस बारे सानू लगता है कि असी सब कुछ पहलां तो ही जानते सी, पर हुण असी असल विच राजकुमार हैरी उन्होंने शब्दों के नाल समझ पा रहे हाँ। गल करांगे अगली खबर बारे। इडली उत्साह दे नाल मनाया गया गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब दिहाड़ा। दशमेश पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा इटली दे गुरुद्वारा संगत सभा विखे समूह संगतां दे वल्लों बहुत ही श्रद्धा और उत्साह दे नाल मनाया गया। पाठ दे भोग दे उपरांत कीर्तन दरबार सजाया गया।
जिस दौरान भाई अजीत सिंह थिंद के कविश्री जिथे दे वल्लों कविश्री वारा दे राही संगतां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन दे नाल संबंधित इतिहास का स्मरण करवाया गया। समागम दे विच संगतां दे वल्लों भारी गिणती दे विच शमूलियत करके जिथे गुरु घर की रौनक नूं वधाया गया उत्थे संगतां दे वल्लों गुरबाणी स्मरण करके जीवन सफल बनाया गया। अखंड पाठ साहिब दीआं सेवावां मैक्स पहली मेहनता दे समूह वर्करां दे वल्लों कीतियां गईयां। समागम दीआं समाप्तियां दे मौके गुरद्वारा साहिब दे प्रबंधकां दे वल्लों संगतां दे नाल धन्नवाद कीता गया। समागम दे विच सेवावां निभाउण वालियां संगतां अते सेवादारां नूं गुरु घर दी बख्शीश सरोपियां दे नाल सन्मानित कीता गया। गल करांगे अगली खबर बारी। काबुल आतंकवादी हमले दे विच 5 लोकां दी मौत, IS ने लिती जिम्मेवारी। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दे विच विदेश मंत्रालय दे नेड़े होए भयानक बंब धमाके की जिम्मेवारी ली है। इस धमाके दे विच घट्टो घट्ट 5 लोग मारे गए हैं। काबुल दे विच साल 2023 दे विच यह दूजा वड्डा हमला है। कौमांतरी भाईचारे ने इस हमले की निंदा की है। कट्टड़पंथी समूह ने बुधवार के हमले के बारे एक बयान दे विच कहा, शहादत दे जहवान उन्हां दे मैंबर अते खैबर अली ਕੰਦਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। IS ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਬੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। IS ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਸਿਖਾਈ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ 2021 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਸਮਿਸ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 1% ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਤ 4 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਕਮਾਂਡਰ ਚੰਦਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੈਨੀਅਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 1% ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 41 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। SBS ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ PO ਜੈੱਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਲਬੋਰਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਕਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਲਬੋਰਨ ਸਥਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਈ ਫੂਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ। ਹੈਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ।
पाकिस्तान ने वीरवार को ब्रिटिश मीडिया दे आई रिपोर्टा नू खारिज कर दिता। पिछले महीने लंदन के हरितो हाईवे दे उत्तो यूरेनियम दे नाल भरपूर एक कारगो पैकेज करांची तो आया सी। कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट तत्ते नहीं आई है। बीसीसी ने बुधवार को एक रिपोर्ट दे विच दित्ती जानकारी दे उपरांत दस्या, ब्रिटिश आतंकवादी रोको पुलिस पिछले महीने हैथरो हवाई अड्डे अते यूरेनियम दे नाल दूषित कारगो नू जब्त करन तो बाद मामले की जांच कर रही सी। इसे मामले की सब तो पहला खबर देन वाले अखबार दे दी सन ने आख्या है कि यूरेनियम पाकिस्तान तो आया सी। रिपोर्ट दे विच आख्या गया कि यह स्पैशल खेप दे विच पाया गया है। रिपोर्टर ने जवाब दे विच एक चोटी दे पाकिस्तानी अधिकारी ने आख्या कि वह तथ्य नहीं है। उन्होंने आख्या कि ब्रिटेन दे वलों आधारित तौर दे उत्ते पाकिस्तान दे नाल कोई जानकारी सांझी नहीं की गई सी। डॉन अखबार दे मुताबिक दस्या जा रहा है कि विदेश मंत्रालय दे वलों विदेशी दफ्तर दी बुरान ममताज जहारा ने हवाले दे नाल आख्या कि इस बारे कोई जानकारी आधारित तौर उत्ते साडे कोल सांझी नहीं की गई सी। साडा मनना है कि रिपोर्टां दे तथहीन होण दे उपरांत पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक यह खेप पाकिस्तान तो नहीं सी, जबकि ब्रिटिश मीडिया का दावा किया जा रहा है कि यह पाकिस्तान दे वलों ही आया है। गल करांगे अगली खबर बारे।